गदर टू तो यही घंटा घर की शूटिंग हुई है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो गाइस, आज आपको बिल्कुल मस्त चीज़ घुमाने वाले हैं, क्योंकि आज लखनऊ का नींबू पार्क घुमाने वाले हैं। देखते हैं, बहुत दोस्त मेरे कह रहे थे कि लखनऊ नींबू पार्क की वीडियो बनाओ आप लोग, तो गाइस आज वहीं आपको लेके चलते हैं, लखनऊ नींबू पार्क। तो गाइस चलते हैं अभी रोड पे हमें टैक्सी मिलेगी, वहीं से चलते हैं। तो गाइस यहां से टैक्सी हमें लेनी पड़ेगी दुबग्गे के लिए, तो टैक्सी लेते हैं। दुबग्गे से टैक्सी दूसरी लेंगे, तो चलते हैं अभी। अभी हम लोग आ चुके हैं घंटाघर, तो अभी घूमते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पे कितनी सारी भीड़। तो गाइस लखनऊ घंटाघर में हमेशा भीड़ ही रहती है। तो गाइस देखिए यहाँ का व्यू। वहाँ पर गाइस झूले वगैरह भी हैं जो कि आप घूम सकते हैं। यहाँ पर गाइस देखिए कितने सारे लोग छाया में बैठे हुए हैं। तो गाइस यहाँ लखनऊ घंटाघर पे, तो गाइस शाम को आप देखने वाला यहाँ पे है। तो गाइस शाम की यहाँ मेले की तरह बहुत ज़्यादा गाइस भीड़ होती है। और गाइस अभी यहाँ से थोड़ी दूर पे नींबू पार्क है, तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी भीड़ है, कैसा क्या माहौल है। तो गाइस अभी चलते हैं नींबू पार्क, तो चलते हैं। गाइस यहाँ पे छाया बहुत ही मस्त है लेटने वाली, तो मेरे को भी नहीं पता कहाँ पे है, थोड़ी दूर बताते हैं सभी लोग घंटाघर से नींबू पार्क, तो किसी से पूछ लेते हैं। और गाइस यहां से भूल भुलैया का गेट जो कि थोड़ी ही दूर पे है, आप लोग भूल भुलैया का गेट भी देख सकते हैं, बड़ा इमामबाड़ा जो कहते हैं लखनऊ में। तो गाइस वो देखिए बड़ा इमामबाड़ा गाइस ये है भूल भुलैया का। तो गाइस हम पूछ लेते हैं किसी से नींबू पार्क कहां पे है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नींबू पार्क के सामने, तो गाइस अभी हम लोग टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो गाइस सामने है टिकट काउंटर, लेते हैं चल के। एक टिकट कितने का दे दो। तो गाइस अभी हम लोगों ने टिकट ले लिया है और चलते हैं अंदर। तो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं, देखिए यहाँ का व्यू।
शुरुआती में गाइस कितने सारे झूले लगे हुए हैं झूलने के लिए। और गाइस यहाँ पे ताड़ के पेड़ हैं बहुत सारे, देखिए कितने बड़े बड़े। गाइस यहाँ पे हर प्रकार के झूले भी लगे हुए हैं। और गाइस यहाँ पे 10 रुपये का टिकट है और शुरुआती में कई सारे झूले हैं। और गाइस आप 10 रुपये में चाहे दिन भर रुको या फिर 1 घंटा रुको, तो गाइस 10 रुपये में काफ़ी अच्छा यहाँ घूमने वाला है। और गाइस यहाँ पे ताड़ के पेड़ बहुत सारे लगे हैं, आप लोग देखिए। गाइस मुझे आके यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है 10 रुपये में। यहाँ से सामने आप लोग देखिए भूल भुलैया का गेट भी दिख रहा है हल्का हल्का, तो मैं सामने आप आके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से मस्त दिख रहा है। और यहाँ पे माउंटेन फुहारा भी है, तो गाइस ये तो बिगड़े लग रहा पड़े हुए हैं और काफ़ी आगे तक बना हुआ है। अभी चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर गाइस अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, ये देखिए कितना प्यारा पेड़ लग रहा है अमरूद का। बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन गाइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखिए ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे गाइस डॉगी वगैरह बैठे हैं, कुत्ते बैठने वाला गाइस सामने है। यहाँ पर भी कई सारे झूले हैं, काफ़ी बड़े बड़े झूले हैं, बड़े लोगों के झूलने वाले, तो देखिए गाइस। लेकिन ये 10 रुपये में काफ़ी ज़्यादा घूमने वाला यहाँ पे पार्क है। आप यहाँ पे शॉर्ट वीडियो जैसे कि बना सकते हैं और इंस्टा पे भी काफ़ी अच्छी वीडियो यहाँ पे बन सकती हैं। यहाँ पे कई सारे लोग सोने के लिए भी आए हैं, ये देखिए गाइस सामने आंटी सो रही हैं कितनी प्यारी से। अभी गाइस उस तरफ तो पीछे की साइड हम लोग हो चुके हैं और गाइस आगे की साइड देखते हैं यहाँ पे क्या है खास चीज़, कोई मस्त चीज़ देखते हैं। गाइस यहाँ से मेरे को एक चीज़ दिखी है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो भूल भुलैया का जो वो है क्या कहते हैं उसको, वो ऊपर दिख रहा है पावा जो कहते हैं, तो अभी आगे चल के देखते हैं। यहाँ का गाइस व्यू देखो पहले, यहाँ पे गाइस धूप बहुत तेज है। तो गाइस यहाँ से देखो कितना सम कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना। गाइस कमेंट में आप लोग नहीं करते, कमेंट जरूर करके बताना कैसा लग रहा है। यहाँ से देखिए भूल भुलैया दिख रही है गाइस, ये देखिए भूल भुलैया की जो दीवारें बनी हुई हैं मेरे की साइड वो दिख रही हैं गाइस। यहाँ पे पानी चल रहा है पीने के लिए और कहीं ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सबसे ज़्यादा यहाँ पर ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं। मैंने एक ही चीज़ सिर्फ गौर करी है। अब गाइस यहाँ से देखिए कुछ ज़्यादा ही दिख रही है, ये देखिए भूल भुलैया का दीवाल, आप लोग गौर करके बताना यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको ध्यान से। बस कुछ गाइस ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहीं तक है पूरा पार्क। अभी हम लोगों ने झूले भी नहीं झूले, तो गाइस अभी झूला झूल लेते चल के। और गाइस यहाँ पर मेरे को एक चीज़ और दिख चुकी है, ये देखिए भूल भुलैया पे जो दीवार गिर गई थी वो देखिए कितनी ऊपर चढ़ के पोत रहे हैं, ये देखिए काम चल रहा है भूल भुलैया में, पेंटिंग का काम हो रहा है गाइस पेंटिंग। अब गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि निम्बू पार्क का बिल्कुल फ्री मोटरसाइकिल या साइकिल स्टैंड है, तो गाइस देखिए ये
बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे काफ़ी लोग घूम रहे हैं, आप लोग देखिए। तो गाइस ज़्यादा कुछ दिखा नहीं आज के ब्लॉग में, बस इतना ही, हम लोग घूम चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग पार्क के बाहर आ चुके हैं, तो अभी बहुत ही प्यास लगी है, तो गाइस पानी ले लेते हैं। ये एक पानी है तो पाउच। तो गाइस बहुत ही प्यास लगी थी, तो गाइस बोतल ले लिए हम लोगों ने, 5 रुपए की बोतल से मिली है। तो गाइस पहले पानी पीते, बहुत ही प्यास लगी है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई फिर से बड़े इमामबाड़ा के गेट पे। तो गाइस अभी हम लोग अब जा रहे हैं घर, तो अभी यहाँ से दुबग्गे के लिए बस तो 2 घंटे घर के पास मिलेगी, तो चलते हैं वहीं तक पैदल। गाइस यहाँ से घंटाघर का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे शामी को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तो गाइस देखिए कितना जाम, पीछे वाहन निकल रहे हैं पीछे से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा साफ देखो कितना जाम लगा है गाइस, सारे ऑटो ही ऑटो दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ पे लखनऊ में रात में घूमने का कोई गाइस एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पे देखिए गाइस कितनी सारी आर्मी बैठी हुई है, ये देखिए पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है। आर्मी तो आई है गाइस, आज ही आई है। ये देखिए गाइस कितनी आर्मी बैठी हुई है। तो गाइस अभी वाली जो गदर फिल्म आएगी, जो गदर 2, तो यहीं घंटाघर की शूटिंग हुई है, इसी वाले घंटाघर की शूटिंग गदर 2 की। गाइस आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।